लगता है जब मैं छोटा होता था, तब जब मैं खिलौने वगैरह लेने जाता था या कोई गाने सुनता था, तो मुझे लगता था कि अगर इस खिलौने की कंपनी का मालिक मेरे को बना दे तो मैं कितने अच्छे अच्छे खिलौने बनाऊंगा ना। तो मैं अभी भी वही बच्चा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं वही चीज़ें बनाता हूँ जो मेरे को अच्छी लगती हैं। तो आई थिंक दैट इज़ वाई आई एक कनेक्शन है मेरा किड्स के साथ। बहुत मैं सच में बहुत एक्साइटेड था, बिकॉज कीको एक ऐसा सुपर हीरो है जो आई थिंक हर बाहर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंडिया का हर बच्चा बनना चाहता है। बहुत स्मार्ट है, स्वैग है, एक गाड़ी है बहुत सही सी, और घड़ी है बहुत सही, और उसमें से गाड़ी निकलती है। तो आई थिंक ये मेरे भी शौक हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। तो और मतलब मेरे लिए आई थिंक बहुत इजी हो गया था कीको के कैरेक्टर में आना और उसके लिए गाना लिखना। एंड जो मेरे स्किल्स हैं, फिर राइटिंग स्किल्स हैं, जो म्यूज़िक स्किल्स हैं, मैंने वो यूज़ किए। आई मेड श्योर कि गाना सबको अच्छा लगे। तो मेरे घर में बड़े लोग भी गा रहे हैं, मेरे सोनी के ऑफिस में भी सारे लोग गा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक इट्स अ वेरी इजी सॉन्ग, सबको याद हो जाता है इजीली। एंड आई थिंक दैट्स द की बच्चों के लिए गाना बनाते हुए। राइट, या शूट का एक्सपीरियंस बड़े लोगों के साथ तो रहते ही हैं, बट बच्चों बच्चों के साथ एक अलग मज़ा आता है। उनका नज़रिया चीज़ों को देखने का, ये मैंने ये पहना हुआ था तो कहते ये पॉटी कलर क्यों पहना हुआ है, आप कोई ढंग के कपड़े क्यों नहीं पहनते। मैं मुझे फैशन लग रहा था, उनको कुछ और लग रहा था। तो एक वो नज़रिया बड़ा मज़ेदार होता है। तो बहुत ही एक मतलब आप रेगुलर चीज़ से हट के जब किसी चीज़ में बैठते हो, उनका परसेप्शन, आई थिंक इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटिफुल, जैसे वो दुनिया को देखते हैं, जैसे वो कीको के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। इट वॉज अमेजिंग मैन, इट्स ऑलवेज अमेजिंग। आते हैं तो ये भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, बट थोड़ा सा ब्रीफ था जिसके अकॉर्डिंग काम करना था, चाहे वो डीजे वाले बाबू हो, चाहे अभी तो पार्टी शुरू हुई हो, चाहे कीको का गाना हो, सभी बच्चों के लिए हैं। बट ये थोड़ा एक ब्रीफ था कीको के कैरेक्टर के लिए, तो उसके लिए काम किया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। अब फिल्म आ रही हैं कीको की, गाने आ रहे हैं आई होपफुली, बट मैं चाहता हूँ बाहर जाके खेले भी थोड़ा, और हमेशा मतलब टीवी ना देखे, बट एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। बाहर जाके फिजिकल एक्टिविटीज़ करें और कमरे में ऐसी चीज़ें देखें जो उनकी सेंसिबिलिटीज़ को टिकल करें। मुझे कंसेप्चुलाइज करने में 10-15 दिन लगे, और उसके बाद बनाने में आई थिंक 5 दिन लगे। यार जिनका भी गाड़ियों का शौक है, आई थिंक उनके लिए ये जो रोल्स रॉयस गाड़ी है काफ़ी आई थिंक एक अल्टीमेट कार होती है। एंड आई थिंक भगवान की ब्लेसिंग है कि मैं इस लायक हो सका कि मैंने गाड़ी खरीद ली, और तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, एक हैप्पी मोमेंट था। इंस्टाग्राम पे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आ गए।